वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार। हमको उत्तर प्रदेश पुलिस से क्या अपेक्षाएँ हैं, क्या जरूरतें हैं और उनको हमसे क्या अपेक्षाएँ रहेंगी, तो वो सारे विषयों पे विस्तारपूर्वक चर्चा हो गई है। और इलेक्शन की तैयारी के लिए जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी तैयारियों के हिसाब से उस टास्क को पूरा करेंगे। अक्सर जो है बॉर्डर कभी नहीं, नहीं आप नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि दोनों तरफ से मिलकर काम करेंगे और ये स्थिति निर्मित नहीं होगी। सर, जिस तरह से डकैतों का जो मूवमेंट है वो यूपीएमपी बॉर्डर में जिन जिले सतना और रीवा जिले पर रहता है, कितनी विधानसभाएं ऐसी हैं सतना जिले की जो प्रभावित हो सकती है, जिनकी आपको फोर्स अधिक बढ़ाना पड़ जा सकता है यहाँ पर? नहीं देखिए, मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई सूचीबद्ध जरूर नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश के तराई से जो गेंद मूवमेंट्स होते हैं वो केवल सीमा पे ही है, जो जंगल है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों प्रदेश की संयुक्त टीमें जंगल में सर्चिंग और कॉम्बिंग करते रहें और जो भी सूचनाएं मिले मूवमेंट के संबंध में, डकैत के मूवमेंट के संबंध में, गैंग के मूवमेंट के संबंध में, उस पर त्वरित कार्रवाई करके उसका निराकरण। सर, प्रमुख रूप से कौन से यहाँ गैंग हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थिति में कोई भी गैंग नहीं। सर, संपन्न कराने के लिए हमने काफी तरह तैयारी की है और काफी एक्सरसाइज हम लोग लगभग 15 दिन से कर रहे हैं, विभिन्न मीटिंग्स में किया है। पूरे इस मेला क्षेत्र में हम इसकी सुरक्षा के लिए 15 हमने डिप्टी एसपी हमारे लगेंगे और जो 40 के आसपास इंस्पेक्टर्स हैं और 165 के आसपास सब इंस्पेक्टर और 1000 ऊपर सिपाही, 4 कंपनी पीएसी और फ्रंट कंपनी लगाई गई। इसके अलावा मेले में सुरक्षा के दृष्टि से एंटी सबोटेज चेक वेरियस टीम भी रहेगी और DFMD वगैरह लगाई जाएगी, जिससे किसी तरह के विघटनकारी तत्व जो है वो यहाँ पे आके कोई उपद्रव न मचा सके। विभिन्न मेला क्षेत्रों में जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे भीड़ को दृष्टि के रखते हुए डाइवर्जन मार्ग बनाया है कि इन केस अगर कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भीड़ को डाइवर्स करके दूसरे स्थानों से निकाल के परिक्रमा पूरी कराई जाए। इससे रामघाट पे भी डाइवर्जन मार्ग बनाए गए हैं जिससे कि लोग डाइवर्ट होकर चलें और कोई अगर भीड़ बढ़ती है तो उसका एक अल्टरनेट रूट है उससे जा सके। इसके अलावा पूरा मेला CCTV से कवरेज से पड़ा रहेगा, सब जगह CCTV लगाए जाएंगे, उसकी कवरेज होंगी। फिर इसके अलावा हम जो है हमारे PA सिस्टम रहेगा जो पूरे मेला क्षेत्र अनाउंसमेंट हुआ, चाहे रामघाट का पूरा मेला क्षेत्र हो या फिर परिक्रमा मार्ग हो, इस तरह हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था इसकी सुनिश्चित कराएंगे और ये पूरा मेला सफल संपन्न कराएंगे। ट्रैफिक के लिए पूरी व्यवस्था की गई, तमाम हमने 7 पार्किंग स्थल रखे हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी गाड़ियाँ रखे जाएंगे। ट्रेन में सकुशल यात्री आए हैं, ठीक ढंग से जाएं, इसके लिए GRP से हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हमने रेलवे विभाग को भी 2-2 घंटे में ट्रेन चलाने के लिए अनुरोध किया कि 2-2 घंटे में ट्रेन चलाएं, जिससे यहाँ की भीड़ ठीक सकुशल यहाँ से वापस जा सके और आ सके यहाँ पे। सर, चित्रकूट में दीपावली आते ही जुआड़ी बड़ी सक्रिय हो जाते हैं, इस समय भी तमाम एरियाज में जुआ खेला जा रहा है, इसके कंट्रोल के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, जुआड़ी में कंट्रोल के लिए हमारी टीमें लगी हैं, जो इस तरह की जो खासकर जो बृहद जो बड़े प्रकार का जो जुआ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए टीमें लगी हैं। सूचनाएँ हम डेवलप करते हैं और ऐसा अगर कोई सूचना मिलती है उसको हम लोग छापामारी कर इनकलाब करते हैं। जो चित्रकूट बांदा के लिए जो नेशनल हाईवे है वो उसका जो मेजर जो प्रॉब्लम आज के डेट में है, रामघाट के लिए जो अप्रोच रोड हमारा है रामघाट बाद, उसमें UPT तक एक कंटिन्यूस स्ट्रेच हम लोगों ने अभी 4-4.5 किलोमीटर का अभी दे दिया है। वहाँ पे कार्य प्रोग्रेस में दिवाली के दृष्टिगत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बेलीपुलिया से रामघाट तक चलने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई न हो। वैसे भी उस रास्ते में चूँकि जितने अधिक संख्या में 30-35 लाख लोग वहाँ पे आने की संभावना है, वहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जो पैदल जो दर्शनार्थी आएंगे उनको आवागमन में कठिनाई नहीं होगी, उसके लिए वहाँ व्यवस्था पानी के छिड़काव और बेसिक जो मरम्मत जो होना है वो सुनिश्चित किया।